बच्चा पैदा करने के लिए अब नहीं होगी माँ की जरूरत। माँ के बिना बच्चे का जन्म लेना भविष्य में साकार हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं। माँ पिता में से सिर्फ किसी एक के जीन से भ्रूण को आइवी लीग अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड और ब्राउन द्वारा प्रोड्यूस किए जाने पर रिसर्च किया गया। वैज्ञानिकों ने माँ के बिना बच्चे के जन्म यानी एम्ब्रायो फार्मिंग को इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस IVG कहा है। ये तकनीक डिजाइनर बेबीज बनाने की तकनीक में भी मददगार साबित हो सकती है। माँ के बिना बच्चे मदरलेस चाइल्ड के जन्म लेने की उम्मीद वैज्ञानिक तब से कर रहे हैं जब से वे स्किन से स्पर्म और एग बनाने के प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं। ये स्टडी जर्नल साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन में पब्लिश हुई 2016 में। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी जिसमें एक चूहे को फीमेल चूहे के बगैर जन्म दिया जा सकता था। इस तकनीक में एक को योजना के तहत बिना फर्टिलाइजेशन के भ्रूण में विकसित किया गया था। ऐसा तब हो पाया था जब उसमें स्पर्म इंजेक्ट किया गया था। उसके बाद चूहा बिना माँ के जन्म ले सकता था। उसके विकास की दर 24% थी। चूहे पर प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने माना था कि माँ के बिना बच्चे का जन्म विचार योग्य है। रिपोर्ट के लेखकों ने ये भी चेतावनी दी है कि माँ के बिना बच्चा जन्म लेने की तकनीक माता पिता को दर्जनों भ्रूणों में से चयन करने डिजाइनर शिशु बनाने के लिए भी सक्षम बनाएगी। ब्राउन यूनिवर्सिटी के मेडिसिन और बायोलॉजिकल साइंस के पूर्व डीन डॉक्टर अदाशी ने रिपोर्ट में लिखा, IVG तकनीक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक में भी क्रांति ला सकती है। हो सकता है आने वाले समय में IVG तकनीक से भ्रूण बनाए जाएं, लेकिन वर्तमान में इसी कल्पना नहीं की जा सकती। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि IVG तकनीक का अमल में लाया जाना उसके खर्च पर भी निर्भर करेगा। यदि इस तकनीक से रिप्रोडक्टिव अंगों के बिना स्पर्म और एग प्रोड्यूस होने लगे तो ये उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो प्रजनन से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। स्टडी में ये भी कहा गया कि माता पिता में से किसी एक के जीन से बच्चे का निर्माण उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है।